गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेसन थ्री क्वेश्चंस में हमने ट्रांसलेशन के बाद में इसके क्वेश्चंस आंसर्स एंड उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज जो आया वो लैंग्वेज से संबंधित की, और उसके बाद आखिर में हम जो है एक ऐसी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अपूर्ण वाक्य लिखा है और एक बॉक्स दिया आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे, आप देख सकते हो। उस बॉक्स में से आपको उचित लाइन को लेकर के ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको पूरा करना है, जिससे कि सही सेंटेंस बन सके और उसका सही अर्थ जो है वो निकल सके। आपको स्टोरी के अनुसार ही जो है वो उन वाक्यों को जो है वो पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि जो अपनी मर्जी से जो है वो उड़ा करके रख दें। स्टोरी में जिस क्रम से, जिस प्रकार से जो वाक्य आए हैं उस प्रकार से ही आपको जो है उनको जमाने का प्रयास करना है। मुश्किल नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो वाक्य है, देखिए, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। बहुत सारे विद्वानों ने राजा के प्रश्नों के जवाब। अब इसमें से आपको ढूंढना है कौन सी लाइन इसके साथ में पूछ सकती है। बट द ब्लीडिंग शुड नॉट स्टेप से कोई मतलब नहीं है। टू आंसर थ्री क्वेश्चंस नहीं बैठ रहा है। बट द आंसर्स वर सो वेरी दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। ये हो सकता है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन उनके उत्तर जो है वो भिन्न भिन्न थे, वेरी यानी भिन्न भिन्न थे, इसलिए वे राजा को संतुष्ट नहीं कर सके। यही बाकी यहाँ पर बैठेगा। तो लिखिए, बट देयर आंसर्स बट लाइन का बताऊ बट ये आंसर है But their answers were so very that the king was that the king was not satisfied satisfied satisfied। ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा, someone suggested that there should be a council of wise men। किसी ने सुझाव दिया कि राजा के पास एक बुद्धिमानों की परिषद होनी चाहिए जो कि क्या कर सके, कौन सा बैठ रहा है। बट द ब्लीडिंग कुड नॉट स्टॉप, कोई मतलब नहीं यहाँ पर। टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी नहीं है। और एंड फॉलो स्थिति और इसका पालन करें सख्ती से, नहीं। टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। काउंसिल परिषद इसलिए होनी चाहिए कि वो राजा को सही काम करने का सही समय बता सके। ये सही बनेगा यहाँ पर। तो आंसर इसका हो जाएगा टू हेल्प द किंग एक्ट
एट द राइट टाइम, ठीक है, ये बैठ गया। अब रहा है someone else suggested that the king should have a time table, और किसी ने सुझाया कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, तो सीधी सी बात है एम्पोलॉजी स्ट्रिक्टली और उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, फिर है द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा ने उस सन्यासी से प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की थी, क्या याचना की थी, तो तीन प्रश्नों के उत्तर देने की, टू आंसर रिक्वेस्टेंस और लास्ट वाला था आपको मालूम है बैठ जाएगा इसमें, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। अब जो है वो आपका ये फर्स्ट लेसन जो है वो आज समाप्त हो गया है। अब अपना दूसरा लेसन जो है वो चलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ पेरेंट्स के फोन आ रहे थे, वो कह रहे थे सर जो आपने दो टेंस करवाए तो तीनों करवाओ, तो मैं चाहता हूँ कि टेंस फ्यूचर वाला जो रहा है उसको भी मैं करवा दूँ, हालांकि पाठ्यक्रम में आपके नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको फ्यूचर वाला टेंस जो चार भाग रहे हैं वो भी मैं करवा दूँ, फिर जो है अपने जो है उससे आगे वाला पार्ट जो है वो लेंगे आराम से। तो कल जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे, चार दिन वो चलाएंगे, उसके बाद वापस जो है वो टेक्स्ट बुक पे आएंगे। तो ये जो है वो काम आप कर लें, और टेंस वाला वगैरह जो कॉपी कॉमन बनाई है तो कोई बात नहीं है, अलग अलग बनाइए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन काम को व्यवस्थित रूप से करें, और जहाँ भी लिखे जिस चीज़ को लिखे तो हेडिंग को बढ़िया ब्लैक पेन से लिख करके रखें, जिससे कि आप कभी भी भविष्य में उस चीज़ को देखो तो आपको सीधी वो चीज़ मिल जाए कि यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी हुई है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आज इतना ही, और कल मैं जो आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।